हरे कृष्णा। माल्टा स्टूडेंट वीजा को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रही है, क्योंकि माल्टा के सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज सबने अपने सारे कोर्सेज के ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है अराउंड द वर्ल्ड। और अब क्या खुला है, क्या नहीं खुला, किसकी एम्बेसी अप्रूवल मिल रही है, किसका एम्बेसी में सबमिशन हो रहा है, ये काफी कंफ्यूजन है। तो आज मैं आपको करंट सिचुएशन के ऊपर माल्टा में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है वो सारी की सारी क्लैरिटी देने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। माल्टा प्रोसेस से पहले, जो प्रोसेस अभी चल रहा है और किसकी फाइल सबमिशन होगी, उससे पहले मैं कुछ अच्छी खबर दे देता हूँ आपको माल्टा से रिलेटेड। पहली गुड न्यूज, माल्टा ने इंडिया को डार्क रेड लिस्ट में रखा हुआ था, वहां से उसको रेड लिस्ट में ले आई, मतलब कि एक लेवल डाउन कर दिया सिक्योरिटी को लेकर। वन सेकंड, माल्टा ने इंडियन स्टूडेंट्स को रखा था कि आप पहले 14 दिन का क्वारंटाइन किसी सेफ गार्ड कंट्री से होकर आएंगे, वो खत्म कर दिया। वेरी गुड। थर्ड, माल्टा ने बीच में कंप्लीट कोर्सेज बंद कर दिए थे, एम्बेसी अप्रूवल्स बिल्कुल बंद कर दी थी, अब वो खोल दी है। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि एम्बेसी अप्रूवल स्टूडेंट वीजा के लिए अगर खुली है तो कौन कौन सी खुली है। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्क वीजा माल्टा ने खोल दिया, ऐसे ही माल्टा ने स्टूडेंट वीजा भी ओपन कर दिया है। पर किस कैटेगरी में ओपन करा है और कैसे करा है वो समझते हैं। ये समझिएगा, तीन डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो और आपका प्रोसेस कैसे होगा। कैटेगरी वन, कैटेगरी वन को मैं रख रहा हूं सबसे टॉप मोस्ट के ऊपर, वो है नर्सिंग। आपने ANM, आपने GNM, आपने BSc नर्सिंग, या आपको कोई मेडिकल लाइन का एक्सपीरियंस है, मेडिकल लाइन का, कि आप वहां पर कोई ना कोई एक एक्सक्लूसिव कोर्स आपने मेडिकल करा हुआ है। नर्सिंग नहीं करा हुआ तो आपने GDA करा हुआ है। GDA होता है जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट, जो नर्स के नीचे होते हैं। या हमारे को याद है कि जब मैं छोटा बच्चे थे तो हर डॉक्टर के साथ में एक कंपाउंडर होता था, या आपने ऐसा कोई कोर्स करा हुआ है, तो ये आपका प्योर मेडिकल लाइन का कोर्स हो गया। ये कैटेगरी वन, ये एप्लीकेबल है आज की डेट में। कैटेगरी टू, कैटेगरी टू के अंदर यह कि आप मेडिकल लाइन के तो नहीं हो लेकिन आप हेल्थ केयर के हो। हेल्थ केयर मतलब आपने अपना 12th पास करा है PCB से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप एटलीस्ट हेल्थ केयर लाइन के स्टूडेंट माने जाते हो। तो अगर ऐसी कोई भी आपकी एजुकेशन है जो हेल्थ रिलेटेड है, मेडिकल रिलेटेड है, बायोलॉजी रिलेटेड है, तो वो भी एप्लीकेबल है। आपके पास नर्सिंग, ANM, BSc नर्सिंग या GDA नहीं है, पर आपने 12th साइंस बैकग्राउंड से क्लियर करी हुई है, तो भी आप एप्लीकेबल हो। थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी ये आती है कि आपकी एजुकेशन कुछ भी है, दैट डजंट मैटर एट ऑल, पर आप एक सोशल वर्कर में काम करते हो। सोशल वर्कर जैसे आप किसी ओल्ड एज होम में, जो वृद्धाश्रम होते हैं, वहां काम कर रहे हो। आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पर स्पेशल चिल्ड्रन को टेक केयर करा जाता है। आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पर कोविड वैक्सीन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स चाहिए। आप किसी NGO के लिए काम कर रहे हो जो ब्लड डोनेशन के अंदर, आई डोनेशन के अंदर, बॉडी पार्ट डोनेशन के अंदर ऐसी जगह काम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से एक एज अ सोशल वर्कर काम कर रहे हो, एजुकेशन कुछ भी थी आपकी, आप याद रखें हमने पहली टू कैटेगरीज को एजुकेशन में किया था। थर्ड कैटेगरी है आपकी कि एजुकेशन कुछ भी है पर आपका एक एक्सपीरियंस इन फील्ड्स के अंदर है, तो भी आप माल्टा में अप्लाई कर सकते हो आज। अब आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, आपको कोर्स मिलेगा मेडिकल, हेल्थ केयर या सोशल वर्कर, ये वाले कोर्सेज आपको मिलेंगे। इनके अलावा अभी आज की डेट में सारे के सारे कॉलेजेस, हम लोग भी ऑफर लेटर्स इशू कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी का है, IT का है, टूरिज्म का है, बिजनेस मैनेजमेंट है, ये जो अलग कोर्सेज हैं, आपका BA की डिग्री हो गई, बैचलर्स डिग्री हो गई, मास्टर्स डिग्री हो गई,
तो ये जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज ऑफर लेटर इशू कर रहे हैं इस उम्मीद में कि जल्दी ही माल्टा ये सारी कैटेगरीज भी ओपन कर देगा। पर आज जो कैटेगरी ओपन है, जिस पर सीवीयू अप्रूवल शुरू हो गई है, एम्बेसी अप्रूवल शुरू हो गई है, एम्बेसी में सबमिशन शुरू हो गई है, वो है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल, हेल्थ केयर या सोशल वर्कर के लिए। तो अगर आप लोगों को अपनी फाइल इमीडिएटली सबमिट करनी है तो इनमें से कोई भी कैटेगरी में आ सकते हैं जो मेडिकल, हेल्थ या सोशल वर्कर हैं। अगर आप आईटी, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग, हेल्थ और टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी में हैं तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम जब ये वीडियो बना रहे हो उसी समय माल्टा गवर्नमेंट अनाउंस कर दे ये कोर्सेज, पर फिलहाल आज की डेट में ये कोर्सेज के ऊपर कोई अप्रूवल नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि हाँ जल्द ही जैसे माल्टा ने ओपनिंग शुरू कर दी है हर चीज को करना, तो ये भी ओपन कर देंगे, ये एक्सपेक्टेड है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको फिलहाल आप दूर करें, क्योंकि हर एक बच्चा हमसे कह रहा है कि सर मेरा बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, मेरा को अप्लाई कर दो। वो नहीं होगा आज। मेरा आईटी का है, अप्लाई कर दो, नहीं होगा। मेरा टूरिज्म का है, अप्लाई कर दो, नहीं होगा। मेरा हॉस्पिटैलिटी का है, अप्लाई कर दो, नहीं होगा। यस, आपका मेडिकल, हेल्थ केयर, सोशल वर्कर है, इमीडिएटली हम अप्लाई कर सकते हैं। माल्टा स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड अगर आप एसोसिएट हैं, एजेंट हैं, स्टूडेंट हैं, आपको कॉलेजेस के साथ डायरेक्ट टाई अप करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है, इमीडिएटली नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिसेस के नंबर दिए गए हैं, कॉल करें। हमारे ऑफिसेस दुबई, क्रोएशिया, माल्टा में हैं, इंटरनेशनल ऑफिसेस। इंडिया के अंदर हमारे ऑफिसेस हैं हैदराबाद में, सिरसा में, कुरुक्षेत्रा में, न्यू दिल्ली, हेड ऑफिस हमारा नोएडा के अंदर है। मैं अमन शुक्ला, आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।